नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे स्टाइल मेन्यू के कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन के बारे में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है एमएस एक्सेल का, जो आपके इंपॉर्टेंट डेटाबेस को अलग से हाईलाइट करके आपके सामने रिप्रेजेंट कर देता है। इसके अंदर बहुत सारी कंडीशंस हैं जिसके अकॉर्डिंग हम अपने डेटाबेस को अलग से हाईलाइट कर सकते हैं, साथ ही अपने अकॉर्डिंग एक नया रूल भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर होगी, लेकिन इसके अंदर मैं आपको एक एक करके हर एक ऑप्शन के बारे में, हर एक पॉइंट के बारे में डिस्क्राइब करने वाला हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर, तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहला ऑप्शन हमारा दिखाई देगा जिसका नाम है ग्रेटर देन। यहाँ पर आप देखेंगे हाईलाइट सेल रूल्स के अंदर एक ऑप्शन है हमारा ग्रेटर देन। अब ये ग्रेटर देन क्या काम करता है, मान लीजिए हमारा ये डेटाबेस है जिसके अंदर से हमने कुछ डेटा को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हम चले जाते हैं कंडीशन मोड के अंदर, यहाँ पर चले जाते हैं हाईलाइट सेल रूल्स के अंदर और यहाँ पर हमारा ऑप्शन है ग्रेटर देन का, इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स यहाँ पर ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर सबसे पहले आपसे बोलता है वैल्यू, यानी आप ऐसी वैल्यू दीजिए जिससे आपको ग्रेटर देन वैल्यू हाईलाइट करानी हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 64 बाय डिफॉल्ट इसने ले लिया है और मैं यहाँ पर चेंज करके कर देता हूँ उसको 80। अगर मैंने यहाँ पर 80 लिखा तो 80 लिखते ही आप देखेंगे यहाँ पर जो भी 80 से अबव वैल्यूज थी वो सारी की सारी हाईलाइट आपकी हो चुकी है। तो ये था हमारा ग्रेटर देन का ऑप्शन। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है आपका लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट, यानी कि आपका जो कलर होगा वो लाइट होगा और आपका जो टेक्स्ट होगा वो रेड कलर में काफ़ी डार्क शो करेगा। इसके अलावा येलो फिल विद डार्क येलो टेक्स्ट, यानी कि बैकग्राउंड में येलो कलर फिल होगा और इसका जो टेक्स्ट होगा वो डार्क में आपके सामने शो अप होगा। इसके बाद ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट, यानी कि ग्रीन कलर आपका बैकग्राउंड में फिल होगा और डार्क ग्रीन कलर आपका टेक्स्ट का। इसी तरीके से लाइट रेड फिल, यानी कि आपका जो टेक्स्ट होगा वो लाइट रेड कलर में फिलअप होगा। इसके बाद है रेड टेक्स्ट, यानी आपका जो टेक्स्ट होगा वो सिर्फ रेड कलर के अंदर आएगा, बैकग्राउंड के अंदर कोई भी कलर नहीं होगा। रेड बॉर्डर, यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं रेड बॉर्डर, यानी आपका जो टेक्स्ट होगा वो बॉर्डर के अंदर शो अप होगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें कस्टम फॉर्मेट की, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से कोई भी कंडीशन बना सकते हैं। तो मैं एक एक करके आपको सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहला ऑप्शन आप देखेंगे लाइट रेड फिल विद डार्क रेड कलर, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर इसका जो कलर है वो रेड कलर है और इसका जो टेक्स्ट का कलर है वो डार्क में रेड शो हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर जो बाकी के ऑप्शंस हैं वो सेम इसी तरीके से आपके सामने शो अप होंगे। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर लाइट रेड की, तो अगर हम यहाँ पर कंडीशन को सिलेक्ट करते हैं लाइट रेड, मान लीजिए हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया लाइट रेड और उसके बाद हम इसे ओके करेंगे, तो ओके करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे लाइटली रेड कलर में आपका डेटा शो हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें इसके नेक्स्ट फॉर्मेट की, नेक्स्ट ऑप्शंस की, तो यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा यहाँ पर रेड टेक्स्ट, यानी हमारा जो टेक्स्ट होगा वो रेड कलर में आपके सामने हाईलाइट हो जाएगा। तो इसके बाद हम यहाँ पर रेड कलर ले लेते हैं और इसके बाद कर देते हैं ओके। आप देखिए हमारा जो टेक्स्ट था वो रेड कलर में हाईलाइट हो गया। तो यहाँ पर डेटा को पहले हम लोग नॉर्मल कर देते हैं और उसके बाद वापस से जाते हैं कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर और यहाँ पर ग्रेटर देन लेते हुए यहाँ पर अपनी वैल्यू टाइप कर देते हैं। जैसे हमने दे दिया 80 से अबव मुझे चाहिए। और यहाँ पर आप देखेंगे एक ऑप्शन आ जाएगा आपका रेड बॉर्डर का, यानी यहाँ पर आपका टेक्स्ट हाईलाइट नहीं होगा, आपका पूरा का पूरा बॉर्डर हाईलाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बॉर्डर को ले लेते हैं। बॉर्डर को लेने के बाद हमने जैसे ही ओके किया तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो बॉर्डर है वो रेड कलर में हाईलाइट हो चुका है। इसी तरीके से यहाँ पर नीचे आइए, और भी ऑप्शंस हैं आपके सामने ग्रेटर देन, और यहाँ पर हमने वैल्यू यूज कर ली लाइक 80 लेने के बाद सबसे नीचे जो आपके सामने ऑप्शन आएगा आपका कस्टम फॉर्मेट का, ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। यहाँ पर आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को, यानी टेक्स्ट के कलर्स को। तो चलिए यहाँ से हमने ले लिया कस्टम ऑप्शन। कस्टम ऑप्शन लेने के बाद आप देखेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स यहाँ पर इस तरीके से ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर हम फॉन्ट को यूज़ कर सकते हैं, बॉर्डर को भी यूज़ कर सकते हैं, फिल को भी यूज़ कर सकते हैं और नंबर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको फॉन्ट को दिखा देता हूँ करके। यहाँ पर हम सबसे पहले फॉन्ट लेंगे, फॉन्ट का कलर जो भी हमें लेना होगा वो फॉन्ट कलर हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए हमें फॉन्ट का कलर जो चाहिए वो चाहिए, मान लीजिए हमने ले लिया ये कलर, ले लिया इस कलर को। लेने के बाद हमने ओके किया। ओके करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमारा जो कलर है वो यहाँ से हाईलाइट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद स्कैप करके हम लोग पीछे चले जाते हैं। पीछे जाने के बाद कंट्रोल जेड कर देते हैं एक बार, बॉर्डर को भी हम लोग क्लियर कर देते हैं। इस तरीके से आप इसके अंदर जितने भी ऑप्शंस हैं उन सभी का यूज़ कर सकते हैं, यानी हर एक चीज़ को कस्टमाइजेशन
कर सकते हैं, चाहे वो आपका बॉर्डर हो, यहाँ से आप बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकते हैं, फिल हो उसके अंदर का कलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, पैटर्न चेंज कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। डेटा को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट हमारा जो रूल है वो है लेस देन का, यानी यहाँ पर हम जो भी वैल्यू टाइप करेंगे उससे लेस देन डेटा हमारा हाईलाइट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्लिक करना है लेस देन के ऊपर, और लेस देन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम वैल्यू ले लेते हैं लाइक 50 से लेस देन मुझे वैल्यू चाहिए। तो 50 से लेस देन अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास चार वैल्यूज़ हैं जिनका यूज़ हम कर सकते हैं, यानी इन चारों वैल्यूज़ को हम अलग से हाईलाइट कर सकते हैं उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग जो मैंने अभी आपको एक एक करके सारा समझाया था। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन आता है हमारा बिटवीन का। अब ये बिटवीन क्या काम करेगा, तो बिटवीन का जो ऑप्शन है हमारा वो बीच की वैल्यूज़ को हाईलाइट करेगा। हम हाईलाइट सेल रूल्स के अंदर चले गए, बिटवीन ऑप्शन यूज़ किया हमने, हमने ले लिया लाइक 50 से स्टार्ट हो और लास्ट 100 तक के बीच में वैल्यू हमें शो अप हो जाए। तो यहाँ से आप देखेंगे हमारी जो मिनिमम वैल्यू थी वो थी 50 और मैक्सिमम जो वैल्यू थी वो है हमारी 100। तो 50 से लेकर के 100 के बीच में हमारी जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगी। आप देख सकते हैं 50 से लेकर के 100 के बीच की ही वैल्यू हाईलाइट है, इसके अलावा और कोई भी वैल्यू यहाँ पर हाईलाइट नहीं है। तो इसको भी इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर और भी कंडीशंस हैं, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर इक्वल की, तो अगर हमने यहाँ पर कोई भी ऐसी वैल्यू डालते हैं जो कि इक्वली हो किसी एक डेटा के, तो वो डेटा हमारा अलग से हाईलाइट हो जाएगा। तो उसके लिए जैसे हमने यहाँ पर 60 को रिमूव किया और यहाँ पर टाइप कर दिया हमने लाइक 93 आप देखेंगे हमारे पास एक वैल्यू है तो यहाँ पर शो अप हो गई, अलग से हाईलाइट हो गई। तो आप इक्वली वैल्यू को यहाँ पर हाईलाइट कर सकते हैं। तो इन सभी रूल्स को आप एक एक करके यूज़ कर सकते हैं अपने डेटाबेस के ऊपर। के बाद हम बाकी के ऑप्शंस को समझते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन है टेक्स्ट दैट कंटेंट, यानी कि यहाँ पर हमने डेटा को सिलेक्ट किया। डेटा को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम वापस से चले जाते हैं अपनी कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर, हाईलाइट सेल रूल्स के अंदर, और यहाँ पर चले जाते हैं टेक्स्ट एंड कंटेंट के अंदर। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर अमन लिखा हुआ है तो अमन यहाँ पर हाईलाइट हो गया, और उसके बाद अगर हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं कमल, तो यहाँ पर आप देखेंगे कमल यहाँ से हाईलाइट हो गया। तो यानी जो भी टेक्स्ट एंड कंटेंट यहाँ पर हम टाइप करेंगे वो कंटेंट हमारा यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर हमने कमल को टाइप करके ओके कर दिया, इसको एक तरीके से और भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इस पूरे सेल को सिलेक्ट किया, सेल को सिलेक्ट करने के बाद पूरे सेल के ऊपर हमने इस रूल को फॉलो कर दिया, पूरे सेल के ऊपर हमने इस रूल को लगा दिया। जैसे हम लोग चले गए टेक्स्ट एंड कंटेंट के ऊपर और यहाँ पर हमने लिख दिया अमन। अमन लिखने के बाद हमने ओके किया, तो आप देखेंगे अभी फिलहाल हमारे पास एक ही अमन है जो यहाँ पर शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर अमन टाइप करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ, तो देखेंगे आप अमन की जितनी भी टेक्सेस यहाँ पर टाइप होंगे वो अलग से ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएंगे। तो आप इस तरीके से भी आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं, इस तरीके से भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद हम बाकी के एक ऑप्शन को कंप्लीट करते हैं। आप चले जाएं फिर से वापस कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर, हाईलाइट टेक्स्ट एंड सेल्स के रूल्स के अंदर, और यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा डेट अकॉर्डिंग का। अब ये डेट अकॉर्डिंग क्या है इसको अभी हम फिलहाल छोड़ते हैं, इसको मैं अभी कराता हूँ आपको कवर। पहले मैं नीचे डुप्लीकेट वैल्यू आपको क्लियर कर देता हूँ, तो इसके बाद हम डुप्लीकेट वैल्यूज पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे एक जैसी जो भी दो वैल्यू उसके अंदर होंगी वो हाईलाइट यहाँ पर हो जाएंगी। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर 79 यहाँ भी है और 79 यहाँ भी है, 94 आपका यहाँ भी है और 94 आपका यहाँ पर भी है। तो दोनों की दोनों हमारे जो डेटा है वो डुप्लीकेट है, तो इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे वो डुप्लीकेट वैल्यूज यहाँ पर हाईलाइट हो जाएंगे। इसके अलावा इसके अंदर एक और ऑप्शन है, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक ऑप्शन है यूनिक का, यानी कि वो वैल्यू जो एक दूसरे से मैच ना होती हो। अगर आप यूनिक वैल्यू चाहते हैं तो यूनिक वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। तो इसके लिए हम लोग यूनिक को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ कर देते हैं ओके। ओके करने के बाद आप देखेंगे आपकी जितनी भी यूनिक वैल्यूज थी यानी डुप्लीकेट को छोड़ करके यूनिक वैल्यूज आपकी हाईलाइट हो चुकी हैं। तो इस तरीके से भी आप अपने डेटा को हाईलाइट कर सकते हैं। कंट्रोल जेड करके हम लोग पीछे चले जाते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब इसके अंदर हमने एक पार्ट छोड़ दिया था आपका डेट अकॉर्डिंग वाला। अभी डेट अकॉर्डिंग किस तरीके से काम करता है मैं आपको वो क्लियर कर देता हूँ। हम एक नई शीट पर चले जाते हैं। नई शीट पर जाने के बाद इसको थोड़ा सा मैं पहले जूम कर देता हूँ। जूम करने के बाद मैं यहाँ पर एक डेट डालता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने डेट डाल दिया 2021। अब इसको पकड़ करके हमने क्या किया, नीचे की तरफ ट्रैक कर दिया। ट्रैक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर 10 तारीख से लेकर के 20 तारीख यानी आज तक की डेट का हमने यहाँ पर डेटा ले लिया है। अब इसके आगे और भी डेटा हो सकता है हमारा। हम पूरे डेटा को एक बार सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर चले जाइए कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जाने के बाद यहाँ पर हाईलाइट सेल रूल्स के अंदर यहाँ पर हम ले लेते हैं और यहाँ पर हम ले लेते हैं डेट अकॉर्डिंग। डेट अकॉर्डिंग में आप देखेंगे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पर आप चेक करिए, यहाँ पर देखेंगे आपके सामने हाईलाइट हो सकता है टूडे, टुमारो, लास्ट 7 डेज, लास्ट वीक,
दिस वीक, नेक्स्ट मंथ, या फिर लास्ट मंथ, दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ, इनमें से जो चीज़ भी आप सिलेक्ट करेंगे वो डेट आपकी यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगी। तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले यस्टरडे सेलेक्ट है, तो आप देखेंगे यस्टरडे यानी कल की डेट यहाँ पर हाईलाइट हो चुकी है। अगर हम टुमारो की बात करें तो टुमारो हमारे पास है ही नहीं, तो डेटा हाईलाइट ही नहीं होगा। और अगर हम बात करें यहाँ पर टुडे की, तो टुडे यानी कि आज की डेट यहाँ पर देखिए हाईलाइट हो गई। और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर लास्ट वीक की, तो लास्ट वीक हमारा ये था, हाईलाइट हो गया। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकती हैं। बाकी फॉर्मेटिंग मैंने आपको बता ही दिया, कस्टम में जा करके आप अपने हिसाब से यहाँ पर जो भी डेटा सेलेक्ट करना चाहें, जो भी कलर सेलेक्ट करना चाहें, अपने हिसाब से उस कलर को यहाँ पर ईजिली मैनेज कर सकती हैं। तो ये था हमारा डेटा अकॉर्डिंग का ऑप्शन। इसके बाद फिर से वापस अपने डेटा पर चले जाते हैं, और डेटा पर जाने के बाद बाकी के ऑप्शंस का हम लोग यूज़ करके देखते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, वो है टॉप बॉटम रूल्स, यानी टॉप का और बॉटम का, यानी हम जो बात करेंगे यहाँ पर टॉप वैल्यूज़ की या फिर बॉटम वैल्यूज़ की, इनके रूल्स हैं सारे के सारे। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहला ऑप्शन आपका टॉप 10 आइटम्स, यानी कि यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके इस पूरी वैल्यू के अंदर जितनी भी टॉप वैल्यूज़ थी वो यहाँ पर 10 वैल्यूज़ हाईलाइट हो चुकी हैं। अगर यहाँ पर आप टॉप 3 कर देते हैं तो आप देखेंगे आपकी टॉप 3 वैल्यू यहाँ पर हाईलाइट हो चुकी है। जो मैंने रूल्स आपको बताए थे उसी रूल के अकॉर्डिंग आप इसके अंदर भी इसी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने हिसाब से कलर्स को मैनेज कर सकते हैं, या फिर फॉन्ट को मैनेज कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। तो ये तो था टॉप वैल्यूज़ के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर बॉटम वैल्यू के बारे में। आप देखेंगे सबसे पहले मैं आपको बॉटम आइटम्स करा देता हूँ, फिर परसेंटेज वाली वैल्यू आपको कराऊंगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने बॉटम 10 आइटम्स है, तो इस पर हमने क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर बॉटम में आपने दे दिया लाइक टॉप 3, तो टॉप 3 में आपकी जो बॉटम वैल्यू यानी नीचे से वैल्यू जो हाईलाइट है वो यहाँ से हो चुकी है, यानी नीचे से आपकी 3 वैल्यू सबसे कम है जो यहाँ पर आपके सामने हाईलाइट हो चुकी है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन है टॉप 10%। तो टॉप 10% में अगर हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे सामने 3 वैल्यूज हाईलाइट हैं, और यहाँ पर हमने लिखा हुआ है टॉप 10%। अब कन्फ्यूजन ये है कि 10% आइटम ये कैसे हमें फाइंड आउट कर रहा है, यानी कैसे हमें डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो डेटा हमारे सामने परसेंटेज में रिप्रेजेंट करता है वो परसेंटेज के अकॉर्डिंग लेता है। किस तरीके की परसेंटेज के अकॉर्डिंग लेता है, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली यूज़ करके दिखाता हूँ आपको, तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये किस तरीके से आपकी परसेंटेज वैल्यू को काउंट करता है और किस तरीके से हमें डेटा को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाते हैं एक्सेल के अंदर, यहाँ पर इक्वल टू का यूज़ करते हैं, और यहाँ पर एक फॉर्मूला पुट करते हैं एवरेज का। एवरेज निकालने के बाद हम यहाँ पर इस रेंज ले लेते हैं इन सभी डेटाबेस की हम लोग एवरेज निकाल लेंगे और प्रेस करेंगे एंटर। एंटर प्रेस करने के बाद आप देखेंगे इन सभी डेटाबेस के अंदर से जो आपकी एवरेज निकली है वो 70 एवरेज निकली है। अब 70 के ऊपर, यानी अब देखिए इस कंडीशन को ये क्या काम करेगा। डेटा को हमने वापस से सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर चले गए, और यहाँ पर चले गए हम लोग टॉप 10% आइटम के पास। अब यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर हमारी जो वैल्यू है वो 70 है, यानी 70 से अबव, 70 से ऊपर की परसेंटेज ये हमें बताएगा। तो 70 से ऊपर की अगर आप बात करें तो 95, 94 और 94 यहाँ पर 3 वैल्यूज़ हैं जो 70 से अबव हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर वैल्यूज़ को, अगर हम कम ज़्यादा भी करेंगे तो टॉप परसेंटेज हमारे सामने ये रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर बॉटम परसेंट आइटम की, तो यहाँ पर हम क्लिक करके बॉटम परसेंटेज पे चले जाते हैं, और बॉटम परसेंट लेने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमारे सामने 2 वैल्यूज़ हाईलाइट हो चुकी हैं, यानी कि अब आप समझेंगे 70% से 10% नीचे की वैल्यू जो है हमारी, वो हमारी ये दोनों वैल्यूज़ आती हैं। अगर हम यहाँ पर इसकी 15% ले लेते हैं तो 15% में हमारी देखिए ये वैल्यूज़ आ चुकी हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर 20% ले लेते हैं तो 20% में हमारी ये वैल्यूज यहाँ पर हाईलाइट हो चुकी है, यानी इस 70% के हिसाब से 20% अबव एंड 20% डिक्रीज करते समय ये डेटा हमारा यहाँ पर हाईलाइट हो जा रहा है। तो इस तरह से आप अपने डेटा को मैनेज कर सकते हैं, जितने भी परसेंट यानी इस परसेंटेज के अकॉर्डिंग जितने भी परसेंट आप इसको मैनेज करना चाहें उतना परसेंट आप इसे मैनेज कर सकते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट रूल की, तो उस पूरे के डेटा को एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जा करके यहाँ से हम लोग ले लेते हैं अबव एवरेज। अबव एवरेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे वो सभी डेटा हाईलाइट यहाँ पर हुए हैं जो डेटा हमारे अबव में है। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये जो वैल्यूज़ हमारी यहाँ पर आ रही हैं वो 33 से लेकर के 100 के बीच की वैल्यूज़ हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे ये वैल्यूज़ हमारी 200, 300 के अबव एवरेजेस हमारी यहाँ पर शो हो रही हैं। तो ये हो गई हमारी अबव एवरेजेस, और ये बाकी की सारी हमारी हो गई बिलो एवरेज। तो यहाँ पर जो भी डेटा के अंदर सबसे ज़्यादा बड़ी एवरेज होंगी ये उनको कलेक्ट कर लेगा, और आप अपने हिसाब से यहाँ से कलर्स इसको मैनेज कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है।
इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर बिलो एवरेज की, तो यहाँ पर जैसे हम बिलो पे क्लिक करेंगे तो उस अबव एवरेज को छोड़ करके ये जो भी इससे छोटी एवरेज होंगी ये उनको सिलेक्ट यहाँ पे कर लेगा। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग के कुछ ऑप्शंस थे जो आप इन्हें यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें डेटा बार्स की, तो डेटा बार्स के अंदर जो भी कलर यहाँ पर आपको पसंद आता है वो कलर आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने जिस डेटा के अंदर जितना ज़्यादा कलर होगा उतना ज़्यादा डेटा आपका ये हाईलाइट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे आपका 440 का जो डेटा है वो काफ़ी ज़्यादा है जो यहाँ पर हाईलाइट हो चुका है। और फिर से हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर आते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कलर स्केल्स। अब ये कलर स्केल्स के अंदर क्या है हमारा, जब भी हम किसी कलर को यहाँ पर फिल करेंगे तो आप देखेंगे ज़्यादा बड़ी एवरेज होगी वो यहाँ पे अलग से हाईलाइट हो रही है। आप देखेंगे इस रेड कलर के अंदर हमारा जो डेटा है वो सबसे ज़्यादा है जो यहाँ पर हाईलाइट हो गया, और यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारी इससे छोटी वैल्यूज़ होंगी वो हल्की येलो कलर में शो अप हो रही हैं, और जो उससे छोटी वैल्यूज़ होंगी वो इससे ग्रीन कलर में यहाँ पर शो अप होंगी, यानी जिसमें जितना ज़्यादा कलर उतना ज़्यादा डार्क कलर यहाँ पर शो अप होगा। तो इस तरीके से आप डेटा को मैनेज कर सकते हैं। तो ये जो ऑप्शंस थे आपके किसी भी डेटा के कलर्स को हाईलाइट करके आप अपने उस डेटा को हाईलाइट कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन है आइकन्स का, तो आप आइकन्स के थ्रू भी डेटा को मैनेज कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर इन आइकन्स की, तो ये आइकन्स हमें रिप्रेजेंट करते हैं कि कौन सा डेटा ऊपर की तरफ जा रहा है और कौन सा डेटा नीचे की तरफ आ रहा है और कौन सा डेटा हमारा सेंटर पॉइंट में है। इसके अलावा यहाँ पर आप और भी आइकन्स का यूज़ कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने आइकन्स हैं, टावर्स वगैरह के भी आइकन्स हैं, इनका भी आप यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर जितना ज़्यादा डेटा होगा उतना ज़्यादा टावर यहाँ पर शो अप होगा। तो ये सारे के सारे फॉर्मेट्स आप इजीली यूज़ कर सकते हैं, इसमें इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिव कंडीशंस नहीं है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं न्यू रूल्स की, तो न्यू रूल्स आपका किस तरीके से यूज़ किया जाएगा आप वो क्लियर कर लेते हैं हम लोग। तो इसके लिए हमने पहले से ही एक शीट बनाई हुई है, आप देखेंगे शीट वन के ऊपर हमने डेटा बनाया हुआ है, जिसके अंदर हम यहाँ जिस भी ड्रॉप डाउन के ऊपर हम किसी का भी नाम सेलेक्ट करते हैं तो वो सेल यहाँ पर आप देखेंगे ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जा रहा है। जैसे हमने दीपक को सिलेक्ट किया या हमने आदित्य को सिलेक्ट किया तो आदित्य का जो रो है वो हमारा हाईलाइट हो जा रहा है। तो ये चीज़ हमने किया है न्यू रोल से। अब इसको मैं क्लियर कर देता हूँ कि आप ये किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए चले जाते हैं शीट टू पर, शीट टू पर हमने ये डेटा बनाया हुआ है पहले से ही। उसके बाद हम चले जाएंगे स्टूडेंट नेम के ऊपर, और सबसे पहले हम अपने नेम्स की एक लिस्ट तैयार कर लेते हैं, यानी हम एक ड्रॉप डाउन क्रिएट कर लेते हैं। अगर आपको ड्रॉप डाउन क्रिएट करना नहीं आता तो आप सीख लीजिए कि ड्रॉप डाउन किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। इसके लिए आप चले जाएंगे डेटा टाइप के अंदर, यहाँ पर आप देखेंगे डेटा टाइप का मेन्यू होगा, डेटा टाइप के अंदर चले जाएंगे। डेटा टाइप के अंदर जाने के बाद यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा डेटा वैलिडेशन का, इस डेटा वैलिडेशन पे आपको क्लिक करना होगा। डेटा वैलिडेशन के ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर एक एनी वैल्यू का एक ऑप्शन है, इस एनी वैल्यू पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको दिखाई देगा लिस्ट का एक ऑप्शन, इस लिस्ट वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। लिस्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक सोर्स का ऑप्शन आ जाएगा, और इस सोर्स के अंदर आपको सिंपली क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद जितने भी आपके पास नेम्स हैं उन सभी की रेंज ले लेनी है। रेंज लेने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर ओके कर देना है। तो ओके करने के बाद यहाँ पर आपका डेटा देखेंगे यहाँ पर शो अप हो गया, यानी आपकी जो लिस्ट थी यहाँ पर तैयार हो चुकी है। आपको एक बात का ध्यान रखना है, जिस जगह पर आप लिस्ट को तैयार कर रहे हैं वहाँ पर सबसे पहले आपको क्लिक करके रखना है, उसके बाद इस ऑप्शन का यूज़ करना है। जिस जगह पर आपका सेल सेलेक्ट होगा वहीं पर ये ड्रॉप डाउन क्रिएट हो जाएगा। तो पहला स्टेप हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, ड्रॉप डाउन हमने तैयार कर लिया है। अब बात करते हैं किस तरीके से इस तरीके की हम लोग कंडीशन लगा सकते हैं। तो कंडीशन लगाने के लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले आप डेटाबेस को यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, जितना भी आपका डेटाबेस है पूरे डेटाबेस को एक बार में सिलेक्ट कर लीजिए, और चले जाइए वापस से होम टैब के अंदर, और यहाँ से चले जाइए कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक न्यू रूल्स का ऑप्शन, इस न्यू रूल पर आपको क्लिक करना होगा। न्यू रूल्स पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। इसके अंदर आपको सिलेक्ट करना है ये सबसे लास्ट वाला ऑप्शन। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन लिखा हुआ है, यूज द फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। तो इस पहले ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करके रखना है। जैसे ही आप इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर एक फॉर्मेट ऑप्शन खुल के आ जाएगा, जहाँ पर आपकी फॉर्मूला पुट करेंगे। अब इस फॉर्मूला को आप किस तरीके से यूज़ करते हैं मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको लिखना क्या है। आप इसके ऊपर हम रूल क्या लागू करना चाहते हैं, हम रूल ये लागू करना चाहते हैं कि जो भी इस लिस्ट के अंदर हम डेट को सिलेक्ट करें, जो भी इस लिस्ट के अंदर हम नेम को सिलेक्ट करें, वो सेल हमारा यहाँ पर हाईलाइट हो जाना चाहिए, यानी वो हमारा पूरा का पूरा रो यहाँ पर हाईलाइट हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सेल पर क्लिक करके रखेंगे। इस सेल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम रेंज ले लेंगे इस नेम की हेडिंग की। नेम हेडिंग की रेंज लेने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन आपका ओपन हो जाएगा, नेम हेडिंग की रेंज आपकी आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा जो हमारी ये नेम हेडिंग रेंज है, इसके अंदर से हम ये आप देखेंगे डॉलर का सिंबल ये ऑटोमेटिकली आपके सामने शो अप हो जाता है। अब ये डॉलर का सिंबल क्यों लगता है, डॉलर का सिंबल बेसिकली सेल्स को लॉक करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, हमें सिर्फ
कॉलम को लॉक करना है, यानी कि हम यहाँ से जो वन से पहले डॉलर का सिंबल है हम इसको यहाँ से हटा देंगे, इसको हम यहाँ से कट कर देंगे, क्योंकि हमें सिर्फ कॉलम को लॉक करना है, रो हमारा ओपन होना चाहिए। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस वाले डॉलर के सिंबल को, ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है दूसरा डॉलर का सिंबल, इस वाले सिंबल को आप यहाँ से रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस डॉलर के सिंबल को यहाँ बैकस्पेस से आप कट कर सकते हैं। कट करने के बाद आपको बाहर वापस से क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर यूज करना है इक्वल टू का सिंबल। आप देखेंगे आपका इक्वल टू का सिंबल यहाँ पर यूज हो गया। तो ये जो सेल हो हमारा वो इक्वल किसके हो, तो वो सेल के इक्वल हो हमारे इसके, यानी कि जो हमने ड्रॉप डाउन यहाँ पर क्रिएट किया था, जो हमने लिस्ट यहाँ पर क्रिएट की थी उसके, यानी यहाँ पर जो डेटा यहाँ से सेम डेटा मैच होगा वही डेटा यहाँ पर हाईलाइट होना चाहिए। तो ये हमारी कंडीशन है। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, फॉर्मेट के ऊपर जाना है। जिस कलर से आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं वो फॉर्मेट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से फॉर्मेट यूज करेंगे। फॉर्मेट यूज करने के बाद यहाँ से आपको जो भी कलर पसंद आता है, मान लीजिए हमने येलो कलर ले लिया। येलो कलर लेने के बाद हमने सिंपली ओके किया। ओके करने के बाद यहाँ पर भी आपको सिंपल ओके करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका कमल सेलेक्ट करते ही यहाँ पर कमल का सेल हाईलाइट हो चुका है। जैसे आप दीपक को सिलेक्ट करेंगे तो दीपक हाईलाइट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप आदित्य को सिलेक्ट करेंगे तो आदित्य आपका यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। तो ये था आपका न्यू रूल्स। इसी तरीके से इसमें बहुत सारे रूल्स हैं। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आपकी बनाऊंगा जिसमें मैं सारे ऑप्शंस को आपको वन बाय वन क्लियर करूंगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर टेबल्स ऑप्शन की। अब ये टेबल ऑप्शन किस लिए यूज़ किया जाता है, तो टेबल ऑप्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं, डेटा को सिलेक्ट करके यहाँ पर इसे टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की Ctrl+T है, इसको भी यूज़ करके आप इसे टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ से हमने टेबल में को सिलेक्ट किया और यहाँ सिंपल हमने ओके किया। यहाँ ओके करते ही आप देखेंगे आपके ये जो डेटा था वो टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। इसके बाद यहाँ से आप देखेंगे आपके सामने बहुत सारे फॉर्मेट्स खुल चुके हैं। इसमें से जो भी फॉर्मेट आपको पसंद है वो फॉर्मेट आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो सेल स्टाइल है। यहाँ पर आप चाहें तो किसी को हेडिंग बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इसको सिलेक्ट किया और मुझे इसको हाईलाइट करना है हेडिंग के थ्रू, तो यहाँ पर बहुत सारी हेडिंग्स हैं जिसमें आप इस तरीके से टाइटल को हेडिंग दे सकते हैं। तो ये था हमारा स्टाइल मेन्यू। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।